हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी ने खबर सुन ली है कि 2000 का नोट बंद हो गया, लेकिन क्या है इसकी पूरी प्रोसेस, क्या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पूरी की पूरी 2 मिनट आप मेरे साथ बने रहेगा, मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। अब इस नोट का क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास है, आराम से मार्केट में जाओ, आराम से ये चलेगा। कब तक चलेगा, क्या करना है, कब तक बैंक में जमा होगा, क्या 2000 का नोट बंद हो गया तो नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, कब तक बैंक में जमा करा सकते हैं, वो अभी मैं डेट बता दूंगा। तो देखिए, आपके सामने है कि RBI का बड़ा फैसला है, यानी RBI ने फैसला लिया है कि रिजर्व बैंक 2000 के नोट वापस लेगा, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो उस समय क्या एक बार कमी हुई थी, तो निकालने के लिए मतलब मनी बाहर निकालने के लिए तो 2000 के नोट इन्होंने जारी कर दिए, लेकिन 2018 और 19 में इन्होंने नोट छापने भी बंद कर दिए 2000 के, ठीक है। तो अब ये क्या लगभग मार्केट में कमी बचे हैं, वैसे ये थोड़े से हैं, ठीक है, उनको भी अब कलेक्ट करना शुरू कर दिया है रिजर्व बैंक, यानी RBI ने, RBI का बड़ा फैसला है कि रिजर्व बैंक 2000 के जो रुपए के नोट हैं वो वापस लेगा 30 सितंबर 2023, यानी आगे आने वाली, अभी क्या चल रहा है, मई एंड आ रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी आपके पास 4 महीने, ठीक है। इसमें आप जाकर बैंक में बदलवा भी सकते हैं, ठीक है, और बैंक में जाकर आप जमा भी करवा सकते हैं, कब तक, 30 सितंबर तक, यानी आपके पास बहुत टाइम है। RBI ने 2000 के रुपए के नोट को चलने से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने बंद करें, ठीक है, यानी अब किसी को नया नोट नहीं दिया जाएगा, यानी बैंक आपको 2000 का नोट नहीं दिया जाएगा। अगर आप ATM में बैंक में जाते हैं तो 500-500 के नोट दिए जाएंगे, और आपको 30 सितंबर तक या तो आप नज़दीकी बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। तो ओके, धन्यवाद।